इस ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे काउंटडाउन टाइमर को। तो इससे क्या मुराद है, ये आपके सामने है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देख रहे हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इस तरह का इफेक्ट क्रिएट करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल में और उसके लिए यूज करेंगे टाइमर कंट्रोल को। तो सबसे पहले क्रिएट कर देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। तो फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड एक्सी को सेलेक्ट कर दें, क्लिक कर दें, ओके। अब मैं क्या करूँगा, शेप कंट्रोल लेता हूँ, ऐड कर दें यहाँ पे। अभी रेक्टेंगल है, इसको कर देते हैं सर्कल और इसकी बॉर्डर विथ को मैं कर देता हूँ 9। इनफ है। अब इसमें मैं एक लेबल कंट्रोल ऐड करता हूँ, ऐड हो गया। और इसकी इस ये जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में कर देता हूँ। तो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी सेंटर, कैप्शन कर देते हैं 10। अब मैं इसकी फॉन्ट को इंक्रीज करता हूँ, तो फॉन्ट पे चलते हैं और फॉन्ट जो मैं सेलेक्ट करूँगा वो है कोरियर न्यू। आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसकी साइज 72 कर देता हूँ आपके सामने। रन करेंगे इस स्टेज पे तो आप देख रहे हैं 10 ही रह रहा है, कोई नीचे नहीं जा रहा, 9, 8 नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइमर कंट्रोल को यूज करेंगे। तो ऐड कर दें और हम चाहते हैं इसका जो टाइमर इवेंट है वो हर 1 सेकेंड के बाद रन हो। तो किस तरह, इसको कर देते हैं 1000। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे कि यहाँ जो भी नंबर है उससे 1 माइनस कर दो। तो लेबल 1.caption equals to लेबल 1.caption माइनस 1। तो जब भी ये इवेंट होगा यहाँ से 1 माइनस होगा तो आपको लगेगा कि 10 के बाद 9 कर रहा है, फिर 8 कर रहा है, फिर 7 कर रहा है। आप देख रहे हैं यार 1 सेकंड के बाद 1 को रिड्यूस कर रहा है। अभी 5 है, 4, 3, 2, 1, 0 और फिर माइनस कर देगा। हम चाहते हैं जब 0 पे पहुंच जाए तो टाइमर डिसेबल हो जाए और 0 से माइनस में ना जाए। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। यहाँ पे इस कंडीशन लगा देते हैं कि अगर कैप्शन 0 से ज़्यादा है तो फिर माइनस करो वरना ना करो, और अगर 0 है या उससे कम है तो फिर क्या करो, टाइमर 1.enable को डिसेबल कर दो। तो टाइमर डिसेबल हो जाएगा, रन कर देते हैं और अब आप देखेंगे 0 पे रुकेगा। 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 पे रुक जाएगा क्योंकि टाइमर भी हमने डिसेबल कर दिया। हम चाहते हैं कि रीसेट का बटन हो तो ताकि दोबारा स्टार्ट हो। किस तरह करेंगे, यहाँ से एक बटन ऐड कर देते हैं और यहाँ की इस पे कैप्शन कर देते हैं रीसेट। और रीसेट का मकसद क्या होगा कि कैप्शन में दोबारा 10 डाल दो और टाइमर इनेबल कर दो। अगर आपने इनेबल नहीं किया फिर काम नहीं करेगा, इनेबल कर दो। 1 सेकंड के लिए मैं टाइमर को इनेबल नहीं करता, रन कर दें। तो 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0। अगर स्ट्रेट अवे आप 0 पे क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा काउंटडाउन काम करेगा, लेकिन अगर अब मैं इस स्टेज पर रीसेट करूं तो आप देख रहे हैं नीचे नहीं जा रहा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टाइमर को इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल कर दिया मैंने और अब आप देखेंगे काम कर रहा है। रीसेट कर दें तो आप देख रहे हैं दोबारा अब काम कर रहा है। एक काम इसके साथ और भी कर सकते हैं, इंस्टेड यहाँ पे 10 देने के या यहाँ पे 10 देने के हम यूज़र को मौका दें कि वो काउंटडाउन की तरफ से स्टार्ट। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा देते हैं और इधर ही ये वैल्यू देंगे कि 10 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इसको मैं एम्प्टी कर देता हूँ और फिर लोड इवेंट में हम दे देते हैं कि लेबल 1 में कैप्शन में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, टेक्स्ट 1.txt। और इधर हमने वैल्यू नहीं लगाई, डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसको 10 दे देता हूँ।
इसको क्या कर देते हैं, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट। तो रन करेंगे तो चूंकि यहां पे 10 था तो 10 से ही स्टार्ट करेगा। अब मैं यहां पे 5 कर देता हूं, रीसेट कर दें तो आप देख रहे हैं 5 कर दिया, 5 से स्टार्ट हो गया। और आप इसको 3 भी कर सकते हैं, और अब आप देख रहे हैं 3 से स्टार्ट कर रहे हैं।